आई एम थैंकफुल टू यू कि आपको तवा पिज्ज़ा की रेसिपी पसंद आई और हमारे ऑनरेबल सब्सक्राइबर्स ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। बट वी ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। ये देखिए नीचे से तवे के ऊपर बन रहा है तो ये नीचे से तैयार भी है, तो हम हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो रीइंफोर्स करने के लिए बना रहे हैं छोटी सी ये वीडियो। पिज़्ज़ा की डो बनाने का तरीका उस एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस हो चुका है पिछली वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा और उस पर हौसला अफजाई भी कीजिएगा। और आज हम ये बताएंगे कि जो पिज़्ज़ा का ऊपर वाला हिस्सा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, उसको रीइंफोर्स करने के लिए आपको एक और मेथड बता रहे हैं कि जब आप चीज़ की ये टॉपिंग लगाते हैं, जैसे चीज़ इस पर लगी हुई है और ऊपर वाले हिस्से को ब्राउन करना है, तो हम कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल करके उसको कुक कर सकते हैं, तो इसमें इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो काइंडली ये वीडियो गौर से देखिएगा व्यूअर्स। इस टेक्निक में आपने क्या करना है कि चूल्हे को आपने हाई फ्लेम के ऊपर रखना है। इस वक्त ये हाई फ्लेम पे है और ये तवा खूब गर्म हो चुका है, तो उसके बाद आप इस तरह करेंगे, इस तरह से इसको तवे को उल्टाएंगे और इसका जो सिरा है वो यहाँ पर इस तरह से आप ये रखेंगे और ये सिरा इसका जो है ना वो आग को टच कर रहा है। ये साथ इसके हमने नीचे जो है वो पिज़्ज़ा डिश रखी हुई है और ये हीट जो है ये पिज़्ज़ा डिश को पहुंच रही है। ये देखें, आप भी किसी भी टूल की मदद से इसे इस तरह से पकड़ सकते हैं। तो 5 मिनट्स के अंदर इसकी ऊपर वाली जो टॉपिंग है इसकी वो ना सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाएगी बल्कि ऊपर वाला हिस्सा भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ये टेक्निक आप जो है तवा पिज़्ज़ा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये चीज़ जो है ये मेल्ट हो गई है और ग्रिप कर लिया इसने मटेरियल को। तो अभी देखें हम इसको मज़ीद बेक करेंगे और ये जो साइडें हैं यहाँ पे ऑयलिंग भी करेंगे और यही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। इसके ऊपर इस तरह से तवे को हमने रखना है और तवे को हमने हीट दे पहुँचानी है इस तरीके से। तो ये देखें, ये टेक्निक आपने फॉलो करनी है, वेरी सिंपल, वेरी ईजी और आराम से जो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी बेक हो जाएगा इसमें। तो ये देखें, अब हमने ये जो साइड्स हैं इसकी, इनकी ऑयलिंग कर ली है, इस पर हल्का हल्का ऑयल लगाया है और उसी टेक्निक से हम इसको हीट पहुंचा रहे हैं। ये तरीका जो हम फॉलो करेंगे। हमने अब इसकी साइड भी थोड़ी सी रोटेट की है, चेंज की है ताकि हर तरफ से इसको हीट मिल जाए और इस प्रोसेस में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी बिल्कुल भी। सो डियर व्यूअर्स, ये देखिए दिस मेथड वर्क्स 100%। ये चीज़ देखें, ये भी मेल्टेड है और ये साइड्स जो हैं इसकी ये भी ब्राउन हो चुकी हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये देखिए पिज़्ज़ा रेडी है और अब हम इसको सर्व करेंगे और अच्छे तरीके से ये प्रॉपरली बेक हो चुका है। सो डियर व्यूअर्स, पिज़्ज़ा इज़ रेडी, इन्जॉय करें, सब्सक्राइब द चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।